जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार साल के हर महीने में दो एकादशी होती हैं, तो पूरे साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 24 एकादशी में एक ऐसी महत्वपूर्ण एकादशी है जिसका फल 23 एकादशियों के व्रत रखने के समान है, और वो है निर्जला एकादशी। शास्त्रों में इस निर्जला एकादशी का व्रत परम पुण्यदायी माना जाता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में हर तरह का सुख मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी 21 जून सोमवार के दिन पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक चलता है। इस व्रत में कई विशेष नियमों का ध्यान रखा जाता है। इस व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता, इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। धार्मिक शास्त्रों में इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखें और इस दिन पूजा करने का क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही इस दिन कैसे विधि विधान से पूजा करें जिससे आपको इस दिन का पूरा फल प्राप्त हो। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त 20 जून शाम 4:21 से शुरू होता है और 21 जून दोपहर 1:08 पर खत्म होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रती को गंगा दशहरा के दिन से ही निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। रात में जमीन पर शयन करना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पीले वस्त्र ही पहने और सूर्य देव को पानी चढ़ाएं और इस दिन स्वच्छता के नियमों का विशेष ध्यान रखें। निर्जला एकादशी व्रत में पूजा के समय ज़्यादातर पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। याद रहे, इस व्रत में क्रोध बिल्कुल ना करें। शाम को भी इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करें और ज़रूरतमंदों या गरीबों को दान करें। दिए गए नियमों के अनुसार आप भी निर्जला एकादशी पर व्रत करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाएं। विष्णु भगवान आपके सारे दुखों को हरेंगे।